Hey guys, welcome back to our channel Ranker Study Time. Now we will discuss about some literary terms. So let's start with us. Alliteration. It is used as a rhetorical scheme. It is a repeated consonant sounds or vowel sound in close association of words. इसमें sounds की repetition होती है. वो consonant और vowel हो सकते हैं. A baby babbles in background in alliteration. The first letter of the word are same alike repetition of the letter B in baby babbles and background. इसमें first letter B की बार बार repetition होती है. इसी प्रकार alliteration में letters की repetition होती है जो बार बार repeat होते हैं. The term is usually applied on the consonant and only when the recurrent sound begins a word or a stress level within a word. यहाँ हर एक word की का फर्स्ट लेटर सेम होते हैं. मेटाफर. देयर इज इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू एंड लाइक ऑब्जेक्ट हैविंग समथिंग इन कॉमन. मेटाफर में टू डिफरेंट थिंग्स का कंपैरिजन होता है जो कि अलग अलग होती हैं परंतु उनमें कुछ क्वालिटी कॉमन होती हैं. जैसे ओ माई लव इज रेड रेड रोजिज हेयर. लव एंड रोज आर बोथ डिफरेंट बट देयर इज कॉमन थिंग इज दैट बोथ आर ब्यूटिफुल. Moonlight steeped in silence. Other example is she was our queen, our rose, our star, and then she danced. Oh heaven, her dancing. Here are these some example of metaphor. Metaphor में कुछ example दिए हैं जिसमें comparison किया जाता है different things का. Simile. There is comparison between two unlike objects using the words like and as. एग्जाम्पल हैं एंड आइस मास्ट हाई केम फ्लोटिंग बाई एज ग्रीन एज एम्ब्राल्ड. सिमिली में भी कंपेरिजन होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का परंतु उनमें कुछ समान थिंग्स होते हैं समान क्वालिटीज होती हैं दोनों थिंग्स में. सिमिली और मेटाफर में एक ही डिफरेंस है. सिमिली का कंपेरिजन करते हुए हमें लाइक और एज का यूज करना होता है जबकि मेटाफर में एज और लाइक का यूज नहीं किया जाता जो कि हमने लास्ट स्लाइड में किया था. सिमिली में हम एज और लाइक का यूज करते हैं कंपेरिजन करते टाइम. जैसे इसे एग्जांपल में दिया गया है एंड आइस मास्ट हाई केम फ्लोटिंग बाई एज लाइक इसमें यूज किया है. ओनोमेटोपोया. हेयर साउंड सजेस्ट द सेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स. इट मीन्स द वर्ड विच इट बिगिन्स यूज एक्सप्रेस इट्स मीनिंग थ्रू इट्स साउंड. इसमें जो साउंड्स हैं वो सेंस को एक्सप्रेस करते हैं. जैसे मर्मरिंग ऑफ इन्यूमरेबल बीज. मर्मरिंग की साउंड आते ही हमें पता चलता है बीज की साउंड है. जैसे टिक टिक घड़ी की साउंड है. टप टप पानी की है. जैसे इनसे हमें हिस की साउंड से स्नेक का पता चलता है. इससे हमें स्नेक का पता चलता है हिस की साउंड से. इससे हमें साउंड्स के द्वारा सेंस का पता चलता है. उन्हें हम ओनोमेटोपोया कहते हैं. पर्सोनिफिकेशन. इन इट ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज ट्रीटेड लाइक ए लिविंग ऑब्जेक्ट. इसमें जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि वो लिविंग ऑब्जेक्ट हैं. जैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर एनिमेटेड. जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं उनको एनिमेट किया जाता है. जैसे कि कार्टून होते हैं उनमें जो हमारे एनिमल्स हैं जो हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं उनको ऐसे दिखाया जाता है कि वो लिविंग बींग हैं. एग्जाम्पल है देन लैंड देन इंग्लैंड द फ्रोस्टी क्लिप्स लुकड कोल्ड अपॉन मी. हेयर किट सेज दैट लैंड इंग्लैंड एंड फ्रोस्टी क्लिप्स लुकड हिम विच इज नॉट पॉसिबल. इट इज इम्पॉसिबल एंड हेयर दीज ऑब्जेक्ट्स आर पर्सोनिफाइड. थैंक यू गाइज. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज. थैंक यू गाइज.